फ्रेंड्स, इज वंदना हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड टुडे। सो प्लीज डोंट थिंक आई एम हियर टू टीच यू एनीथिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल ओवरव्यू अबाउट पीटी एग्जाम टुडे। वी विल स्टडी इन कमिंग वीडियोस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी एग्जाम, सॉरी पढ़ने नहीं वाले, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताने वाली हूँ कि पीटी एग्जाम क्या होता है और इसमें कौन से पार्ट्स हैं और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, तो सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप पीटी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो सारी वीडियो अंत तक देखनी है आपने। ठीक है, देखिए पीटी एग्जाम क्या होता है। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है जो कि आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी चेक करता है, जिससे आप है ना अब्रॉड स्टडी करने जा सकते हो या फिर आपको पीआर के लिए ये या टीआर के लिए एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक आयल्स का आप कह लो ऑल्टरनेटिव है, जो बच्चों को आयल्स टफ लगता है, मुश्किल लगता है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, 3 घंटे लाइक 3 आवर्स ड्यूरेशन है और इसका रिजल्ट भी बहुत क्विक आ जाता है, 5 बिजनेस डेज। बहुत सारे लोगों का तो जैसे आज शाम को देखे है, अगले दिन सुबह ही आ जाता है, तो बहुत ही क्विक इसका रिजल्ट है। अगर आप फीस की बात करें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पे करेंगे तो $330 है और इंडियन रुपीज में 13,300 रुपीज है। और स्कोर इसका देखिए कैसे रेंज करता है, 10 to 90, मतलब जैसे आज में क्या होता है 5 बैंड 6 बैंड 7 बैंड, इसमें होता है जैसे आपके 65 पॉइंट आ गए तो यानी कि आपके 7 बैंड आ गए, इस तरह 79 स्कोर आ गया आपका पीटी में, तो इसका मतलब आपके 8 बैंड आ गए, तो इसका स्कोर ऐसे काम करता है। ये तो एक बेसिक सी बात थी जो पीटी एग्जाम के बारे में थी कि ये कंप्यूटराइज टेस्ट है और 3 आवर्स का है। बेसिकली इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्पीकिंग होता है, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग। रीडिंग और लिसनिंग में आपको 10 मिनट्स की ब्रेक मिलती है विच इज ऑप्शनल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्पीकिंग में पर्सनल इंट्रोडक्शन आती है, जिसका जो स्कोर है वो आपको नहीं मिलता, मतलब कि दिस पर्सनल इंट्रोडक्शन जिसमें आप बताते हो दिस इज माई नेम, आई हैव डन दिस, तो वो आपका मार्क्ड नहीं होता, वो एक जनरल आपको दी जाता है कि आप थोड़ा सा खुल जाओ, इंग्लिश बोलने लग जाओ, क्योंकि हम नेचुरली हम बोलते नहीं ना अपनी डेली लाइफ में। फिर रीड अलाउड है, ठीक है, इसका पहला जो स्पीकिंग में सबसे पहले जो पार्ट आएगा रीड अलाउड, फिर डिस्क्राइब इमेज, फिर रिपीट सेंटेंसेस आएंगे, रीटेल लेक्चर आएंगे और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। प्लीज आप देख के डर नहीं जाना कंपोनेंट्स, क्योंकि देर आर 20 डिफरेंट टास्क ऑन विच योर इंग्लिश कॉम्पिटेंसी विल बी चेक। ठीक है, तो स्पीकिंग में ये 5 देखने में लग रहे हैं कि हाय हाय ये 5 टास्क हैं, बट बिल्कुल सिंपल से हैं, जो कि हम आने वाले दिनों में एक एक टास्क को डिस्कस करेंगे, यानी कि 20 टास्क हैं, तो यू कैन फिनिश दिस 20 टास्क इन 20 डेज। इसी तरह राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट होता है और ऐसे होता है। रीडिंग में MCQ चूज सिंगल आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज मल्टीपल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, फिर कुछ और तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जिस रूम में मैं पढ़ा रही हूँ बहुत ही गर्मी है, बट आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन। लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, ठीक है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आंसर हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिर MCQ चूज सिंगल आंसर है, सिंगल सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये तो कुछ थे 20 टास्क जो पीटी में आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर, स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग एंड लिसनिंग। बेसिकली तो हम डिस्कस क्या करेंगे अगले आने वाले वीडियोज में कि रीड अलाउड कैसे आपको करना है। ठीक है, कितना टाइम मिलता है, कितने रीड अलाउड आते हैं, एक एक चीज बहुत ही सिंपल वे में डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, वहां पे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 इंच ले लिए। ठीक है, मतलब जिस बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे सेंटर पे आया और उसने कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी सीखी और दे आर एबल टू गेट देयर डिजायर्ड स्कोर। तो इसी तरह से अगर आपको भी पर्सनल लेवल पे कोचिंग चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 0406599489। सो इट्स ओनली व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो आप इस यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है,
तो ये एक छोटी सी बात थी। अगर 20 डेज आप ये क्लासेस YouTube की फॉलो कर लोगे और 10 दिन खुद से प्रिपरेशन कर लोगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यू कैन अचीव योर डिजायर्ड स्कोर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि हम कुछ वेबसाइट्स भी डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि रैंडम सोर्सेस से आपने पढ़ लिया, रैंडम मटेरियल कलेक्ट कर लिया, जो कि एक टाइम वेस्टेज है। एक अच्छा एक क्या कहते हैं उसको रिसोर्स बताऊंगी मैं आप, जिससे आप पढ़ सकोगे, ठीक है। एक वेबसाइट वगैरह भी डिस्कस करेंगे और बाकी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपके साथ रहेंगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वी गोना डिस्कस सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू सो मच।